जय भीम मित्रों, आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी की 129 जयंती पर मैं राजेश बाघा, भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज कोरोना महामारी के कारण हम सब अपने अपने घरों में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं और बच्चों को और अपने जितने साथियों को आज बधाई देते हैं और बच्चों को बताते हैं कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने कैसे अपने जीवन में संघर्ष किया, कैसे कठिन से कठिन समस्या से उन्होंने निजात पाई। आज इसी महामारी में हमको भी निराश नहीं, बाबा साहब को देखते हुए हमने भी इसको हराना है। अपने अपने घरों में रहकर एक दूसरे से दूरी बनाकर इस समस्या से, इस बीमारी से निजात पानी है, पूरे भारत को इससे निकालना है। तो आज जैसे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के बारे में सब जानते हैं कि वो उन्होंने संविधान तो भारत का लिखा, लेकिन उसके अलावा वो इकोनॉमिस्ट और एक पत्रकार के नाते, एक इतिहासकार के नाते, एक वुमेन एम्पावरमेंट की लड़ाई में सबसे आगे होने वाले और अनेकों उनमें खूबियां थी और उन्होंने देश के लिए और एक सोच दी, एक नया रास्ता दिया। जात पात खत्म हो ऐसा भारत वो चाहते थे। आज सब हम मिलकर उनके रास्ते पर चले। अब मैं सबको आज के इस दिवस पर, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी ने आज कहा कि जितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, जहाँ जितने भी बाबा साहब को मानने वाले सब कार्यकर्ता, आज शाम को एक एक दिया जहाँ मोमबत्ती सब अपने घरों में रोशनी करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप अपने घर में रोशनी करें और बाबा साहब को याद करें। और आपके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति या गरीब व्यक्ति, आप जितना भी उसकी सहयोग कर सकते हैं, उसको राशन के लिए या दूसरा, बाबा साहब के नाम पर आज उसका सहयोग करें, उसको हेल्प करें। और अन्य अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना करें कि भगवान हमें शक्ति दे, हम इस कठिनाई से निकले, इस महामारी से जल्दी भारत आगे बढ़े निकले। आज मैं अपने सबको बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।